बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भिलाई टाउनशिप के अधिकारियों के आवासों का थर्ड पार्टी आवंटन के पश्चात उन क्वार्टरों पर कब्जे की प्रवृत्ति से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए बीएसपी की डायरेक्टर इंचार्ज को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में थर्ड पार्टी के कारण बीएसपी के अधिकारियों को बेहतर मकान उपलब्ध नहीं हो पाने की समस्या से अवगत कराते हुए इसके समाधान के लिए इन मकानों को थर्ड पार्टी के कब्जे से मुक्त कराने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात बीएसपी के बड़े आवासों को प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को, जिनका कार्य क्षेत्र दुर्ग भिलाई रहा है, उन्हें दिया गया था। समय के साथ अधिकारियों के रिटायरमेंट स्थानांतरण के पश्चात भी अधिकतर आवास उन्हीं के कब्जे में रह गए हैं। वर्तमान परिस्थितियों में भिलाई टाउनशिप में छत्तीसगढ़ के अनेक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के नाम से आवास आवंटित हैं, यद्यपि उनकी स्थापना दुर्ग से दूरस्थ जिलों में है। कुछ अधिकारी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, आज भी वे बीएसपी के मकानों पर अवैध रूप से काबिज हैं। ज्ञापन की जानकारी बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर ने दी। हम लोग तो बीएसपी के टाउनशिप की मेडिकल की प्लान के अंदर की प्रॉब्लम्स को लेकर हमेशा हमारे जितने कार्मिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उसके अलावा डायरेक्टर इंचार्ज, उनसे बीच में चर्चा करते हैं। तो ये काफ़ी समय से इस पर हम लोग डिमांड करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि इस चुनाव के बाद इस पर पुनः हम लोग ने चर्चा की, और ये जो इशू मैंने अभी राइज किया उसमें दो तीन इशू थे जो टाउनशिप के रिलेटेड थे। उसमें एक इशू था जिस पर हम सबका ध्यान भी आकर्षित करना चाहते हैं, और ये एक ज्वलंत समस्या भी है भिलाई के रहवासियों के लिए कि हमारे जो बड़े मकान थे, हमारे जो मकान जो रहने लायक हैं, उस पर हमारे माननीय या सम्माननीय लोगों ने, उनको हमने दिए, ऐसा नहीं, हम जब वहाँ आते हैं या चाहे वो जनप्रतिनिधि बनते हैं या हमारे यहाँ पोस्ट होते हैं, तो वो मकान दिए जाते हैं। और वो देना भी अच्छा है, क्योंकि जो लोग इस शहर के लिए सेवा के लिए आते हैं तो उनको ये मौका मिलना भी चाहिए उनको। तो हम लोग ने यही अपनी डिमांड भी रखी है कि आप उसके लिए हमारे 32 बंगले में सांसद निवास, विधायक निवास, हमारे जो निगम के कमिश्नर उनका निवास आप एकदम सुनिश्चित कर दीजिए, एक फिक्स कर दीजिए कि ये मकान या ये बंगला जो है ये हमारे जो भी हमारे यहाँ कलेक्टर आएंगे उनके लिए, जो SP आएंगे उनके लिए या कमीशन उनके लिए फिक्स रहेगा। तो उससे क्या होगा कि जब भी वो उनका ट्रांसफ़र होगा तो ये या वो पद से मुक्त होंगे, मान लीजिए चुनाव रहे विधायक नहीं रहे, या सांसद थे या सांसद नहीं रहे, तो कम से कम वो दूसरे सांसदों को मिलेगा। जो आज की तारीख में आप देखेंगे कि हमारे देश में होता है, हमारे देश के अंदर आप देखें दिल्ली में जब भी लोकसभा या राज्यसभा में चुनाव होते हैं या उसके बाद जो पुराने प्रतिनिधि वो मकान खाली करते हैं, वहाँ के जितने IAS ऑफिसर उनका जब ट्रांसफ़र होता है तो मकान खाली करके जाते हैं। कुछ समय के बाद वो नया जो अधिकारी आता है उसको मकान मिलता है या नया विधायक या सांसद को मकान मिलता है। तो यह एक विडंबना है कि भिलाई में ऐसा नहीं हुआ। भिलाई में चाहे पुराने महापौर की बात करें, चाहे पुराने विधायक की बात करें, पुराने सांसदों की बात करें, पुराने प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, सबने अपने मकान भिलाई में लिए। और ये मुझे लगता है कि 2000 के बाद से बढ़ा है, क्योंकि 2000 के बाद जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो हमारे सभी ऑफिस भोपाल से लेकर रायपुर स्थानांतरित हुए और सभी ने शिक्षा के लिए इन मकानों को लिए। लेकिन हमारा ये कहना है कि इसके कारण जैसे जैसे मकान जाते गए, हमारे जो अधिकारी हैं, भिलाई एक्सप्रेस के अधिकारी हैं जिनको ये मकान मिलना है, ये कर्मचारी हैं जिनको मकान मिलना है, अब उससे वो वंचित हो जाते हैं, क्योंकि ये मकान खाली नहीं होते। जो भी लोग यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं या चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद भी मकानों पर उनका कब्जा रहता है, और कब्जा ऐसा कि देखने से लगता है कि और दो चार पीढ़ियाँ उसमें रहेंगी जितना उन लोगों ने उसमें काम कराया है। तो ये एक दुर्भाग्य की बात है कि एक राष्ट्रीय संपत्ति, क्योंकि ये भिलाई स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट की जो जगह, ये राष्ट्रीय संपत्ति है, किसी का एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। तो हम लोगों ने अपने भिलाई प्रबंधन से ही गुजारिश की है कि इस पर विवेचना की जाए। मैंने इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों से इस महीने, पिछले महीने मेरी मीटिंग, उसमें भी मैंने इस पर चर्चा की है कि इस पर वहाँ से भी एक प्रयास होना चाहिए। हम लोग ने पहले भी राज्य शासन से भी इसके लिए अनुरोध किया था, और ये अब एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या बनने जा रही है। क्योंकि एक और दुर्भाग्य की बात है कि HRA भी हम लोग को नहीं मिलता, तो हमारे लोग अब ये सोचते हैं कि चलो हमको बड़े मकान नहीं मिले, कम से कम प्राइवेट कॉलोनी में शिफ्ट कर जाएँ। तो HRA भी 2014 से बंद है। तो एक अधिकारी या कर्मचारी अब बहुत ही अपने आप को इस मामले में असहाय पाता है। तो हम लोग का दायित्व है कि वो इस बात को उठाए, और इस बात को हमने प्रबंधन तक उठाया, और हम लोगों ने प्रबंधन को कहा भी है कि अगर
समय पर कर भी नहीं, तो इस बार हम लोग कोर्ट जाएंगे। हम लोगों ने काफ़ी समय से इसके लिए वर्कआउट भी किया, पिछली बार भी हमारी काफ़ी एडवोकेट से चर्चा हुई, लोकल से चर्चा हुई, तो इस बार हमारा यह प्रयास रहेगा कि आने वाले कुछ महीनों में इस पर हम अपनी कार्रवाई करें, क्योंकि ये एक जनता की आवाज़ है जो हम लोगों ने मैनेजमेंट तक पहुँचाई है, और अगर मैनेजमेंट को कहीं सहयोग नहीं मिल पाता, मैनेजमेंट भी कोशिश करेगी कि राज्य शासन से केंद्र शासन से पर चर्चा करे, अगर नहीं होता तो हम लोग इसके लिए कोर्ट जाने के लिए हम लोग अपना हमारे रास्ते खुल जाएंगे, और हम लोग चाहते हैं कि ये मकान जो चिन्हित हो, जो हमारे सम्माननीय माननीय लोग आते हैं उनके लिए चिन्हित कर दिया जाए, और जितने मकान हमारे सेक्टर 5 में हैं, बड़े मकान सेक्टर 8 में हैं, 9 में हैं, 10 में हैं, ये मकान हम अपने अधिकारियों को दे पाएँ, तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऑफिसर्स एसोसिएशन का कहना है कि बीएसपी से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों का 6 माह के भीतर ही मकान खाली कराया जाता है, यही नियम प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर भी लागू किया जाना चाहिए। ओए बीएसपी की टीम द्वारा सभी सेक्टरों में सर्वे करके थर्ड पार्टी आवंटन को चिन्हित किया जा रहा है। इस संदर्भ में ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेफी चेयरमैन नरेंद्र कुमार बंछोर ने केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री एवं इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों से 22 सितम्बर को अवैध कब्जों के निराकरण में सहयोग करने विस्तृत चर्चा भी की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।